मम्मी हाँ अच्छी लग रही हो आज काम बोलो अरे सच में अरे क्यों हमारा टाइम खराब कर रही हो काम बताओ ना कहाँ है भाई वो ना रानी के घर ना मम्मी नया सीडी प्लेयर आया है हाँ तो तो वो सारी फ्रेंड्स ना उसके घर मूवी जाने का प्लान करी है तो मैं भी जाऊँ मम्मी मुझे भी जाना है ए बेटा दूसरों के घर पिक्चर देखने जाओगी हमने कहा कोई कम ही रखी है तुम्हारे लिए तुम्हें याद ना है तो मैं पापा तुम्हें टाखीज लेकर गये थे पिक्चर दिखाने के लिए अभी कहा सहेलियों के घर जाकर पिक्चर देखोगी बेटा आए वो तो कितनी पुरानी बात है मम्मी इतनी छोटी थी मैं तब मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था क्या चल रहा था उसके अंदर और फिर फ्रेंड्स के साथ तो अलग ही मजा होता है मूवी देखने का अच्छा सहेलियों के साथ तुम्हें मजा आता है तो माँ बाप क्या तुम्हें कांटे छुपोते हैं मम्मी अच्छा चली जाना कब जाना है भाई पर पापा है पापा को छोड़ो तुम पापा क्या कुछ बोलेंगे हाँ ही आगे हमने हाँ कह दिया मतलब हाँ समझो पर एक मिनट एक बात ध्यान से सुन लो हमारा फोन तुम लेकर जाओगी हाँ और उसके बाद वहाँ कर सिर्फ मिस कॉल मारना घर के नंबर पे हम उठाएंगे नहीं बेटा बैठ पर महंगा आता है ना और दूसरी बात यह है बेटा एक घंटी मारना तुम कागज निकालो तुम भूल जाती हो फिर दो घंटे मार देती हो हमें टेंशन हो जाती है लिखो एक घंटे का मतलब है कि तुम पहुंच गई हो हाँ और दो घंटे का मतलब है कि तुम लेट हो जाओगी और तीन घंटे का मतलब है कि तुम वहां से निकल रही हो ठीक है बेटा एक घंटे मारना पहुंचने के बाद अकेले ना जा रही भाई जाएगा तुम्हें तो छोड़ने भाई छोड़ने भी जाएगा भाई लेने भी आएगा ठीक है बेटा हाँ जैसा मान लोगी तो फिर तुम जा सकती हो थैंक यू मम्मी आई लव यू हाँ हम भी लव यू तुम्हें हाँ अच्छा सुनो जाओ एक बढ़िया कड़क चाय बना कर लो जाओ और सुनो शक्कर जरा कम डालना बहुत मीठा करके ले आती है